सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री से, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई सामान इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपके लिए इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनको टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इनको टर्म्स के हिसाब से यह डिफाइन किया जाता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली डिलीवरी पॉइंट क्या होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हर टर्म के अंदर बायर की और सेलर की, यह डिफाइन किया जाता है इनको टर्म्स में। अब इस तरह की टोटल 11 इनको टर्म्स है, जिनमें यह डिफाइन होता है कि सेलर के लिए एग्जैक्टली क्या डिलीवरी पॉइंट होगा हर टर्म के हिसाब से। हर टर्म के अंदर डिलीवरी पॉइंट अलग होता है और उस डिलीवरी पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हम ओवरव्यू देखेंगे इसके अंदर 11 के 11 टर्म्स का, कि एग्जैक्टली क्या डिलीवरी पॉइंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं बायर और सेलर की हर टर्म के अंदर। साथ ही मैं डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगा हर टर्म के लिए, जिसमें हम डीप में जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है हर टर्म के अंदर, साथ ही में बायर और सेलर किस पॉइंट पे कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एक ओवरव्यू लेंगे कि इनको टर्म्स के अंदर क्या क्या होता है, ब्रॉड लेवल पे समझेंगे। तो इसको मैं कहूंगा ये एक पूरी इनको टर्म्स की सीरीज है, जिसको आप जरूर देखिए अगर आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझना है। तो अभी हम इनको टर्म्स का ओवरव्यू ले लेते हैं, चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि इनको टर्म्स क्या होती हैं, एक एक टर्म को हम देखेंगे कि उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। इनको टर्म की अगर हम फुल फॉर्म कहें तो वो होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। तो ये जो है इनको टर्म्स, ये टोटल मिला के 11 टर्म्स हैं। ये इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इनको पब्लिश करता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने दी हुई है ये 11 की 11 टर्म्स की। तो सबसे पहले ये जो इनको टर्म्स थी वो 1936 के अंदर पब्लिश की गई थी। उसके बाद अब ये जो है काफी सारे रिविजन्स हो चुके हैं, अब 2010 वाला लेटेस्ट रिविजन है। तो अगर हम इनको टर्म्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन या टर्म्स होती हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर हमें एक एग्जांपल लेना हो, मान लीजिए कोई बायर है इंडिया में, पुणे के अंदर है, उसको कुछ प्रिंटर्स खरीदने हैं, मान लीजिए वो चाइना से खरीदना चाहता है, 100 प्रिंटर खरीदना चाहता है, और वो मान लीजिए बीजिंग के अंदर उसकी फैक्ट्री है और वेयरहाउस भी सेलर का वहीं पे है, तो किस तरीके से पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन चेन होती है, मैनेज होती है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें इनको टर्म से डिफाइन होती हैं। तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क, कि सेलर या बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट या रिस्क कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है। तो ये डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इनको टर्म के अंदर मेंशन्ड है वो है डिलीवरी पॉइंट। तो डिलीवरी पॉइंट जो होता है वहां तक तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके आगे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये डिलीवरी पॉइंट अलग अलग होते हैं, उसी के हिसाब से ये 11 टर्म्स बनाई गई हैं। तो अब ये डिलीवरी पॉइंट जो भी होगा उसी हिसाब से इनको टर्म डिफाइन हो जाएगी। तो वो आप कन्वीनियंस के हिसाब से सेलर और बायर डिसाइड कर सकते हैं कि वो डिलीवरी पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा। अब ये जो कन्वीनियंस है ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर सकती है। कुछ केसेस में सेलर जो है वो अपनी कंट्री के अंदर आसानी से हैंडल कर सकता है कार्गो को, और कुछ केसेस में कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो मान लीजिए उनका दूसरी कंट्री में भी ऑफिसेज हैं या उनके पास शिपिंग हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, तो वो उतना पोर्शन भी हैंडल कर सकते हैं। उसी तरीके से बायर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर उसको लगता है कि मैं कॉस्ट कटिंग कर सकता हूं तो वो हो सकता है कि एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर ही कार्गो को उठा ले। तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन चेन ट्रैवल कैसे करती है। तो सबसे पहले तो सर्विसेज के अंदर जो आ जाता है वेयरहाउस सर्विसेज आ जाती हैं। तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी वेयरहाउस सर्विसेज देना, जैसे कि वेयरहाउस अपना मेंटेन करना, उसके बाद पैकिंग करना उस कार्गो की, उसके बाद लोडिंग और इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मान लीजिए हमारे एग्जांपल के अंदर ये जो 100 प्रिंटर्स हैं इनको लोड करना होगा, ट्रक के अंदर लोड होंगे ये, भाई रोड जा सकते हैं, भाई रेल भी जा सकते हैं, तो हमारे एग्जांपल के अंदर हम ट्रक ले लेते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद कस्टम्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग आ जाता है।
कि सेलर या बायर में से कौन हैंडल करेगा कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर, कौन फ्रेट फॉरवर्डर की फीस भरेगा जो भी उसका लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहा है। उसके बाद टर्मिनल चार्जेस कौन पे करेगा, बायर या सेलर पे करेगा शंघाई पोर्ट चार्जेस। फिर उसके बाद शंघाई से वो कैसे ट्रैवल करेंगे, या तो वो सी से जाएगा कार्गो, या वो प्लेन से जाएगा, या बाई रोड जाएगा। अब इस केस के अंदर ये हम अगर 100 प्रिंटर्स की बात करें तो ये सी से ही जाएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो बड़े कार्गोज होते हैं, थोड़े सस्ते कार्गोज होते हैं, वो सी से जाते हैं, और जो बहुत टाइम बाउंड होते हैं वो बाई एयर जाते हैं। और बीजिंग से या शंघाई से इंडिया में आना बाई रोड या बाई रेल तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में ये दोनों मोड्स पॉसिबल हैं। तो लोडिंग कौन करेगा यहाँ पे पोर्ट पे, उसके बाद आपका ये जो फ्रेट है, अब ये जो कार्गो है ये ट्रैवल करेगा मुंबई तक, तो ये जो ओशन फ्रेट है या एयर फ्रेट है ये कौन पे करेगा, बायर करेगा या सेलर करेगा। उसके बाद ये कार्गो अनलोड होगा मुंबई पोर्ट पे, तो वो कौन करेगा। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है वहाँ पे, फिर आपका इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस भरनी होती हैं, फिर आपका वो जो कार्गो यहाँ से अनलोड होके ट्रक में कौन लोड करेगा उसको, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, बायर करेगा या सेलर करेगा, फाइनली वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से बायर के पास पहुंचेगा। तो ये पूरी की पूरी एक ट्रांसपोर्टेशन चेन है। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट पे डिसाइड हो सकता है कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक बनती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, उसी पे ये सारी की सारी इनको टर्म्स बेस्ड है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ये इनको टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी एक्स वर्क्स, EXW का मतलब एक्स वर्क्स, FCA फ्री कैरियर, फ्री अलॉन्ग शिप हो जाता है, फिर फ्री ऑन बोर्ड होता है, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP और DDP, ये 11 टर्म्स हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो कैरेज, इसके अंदर आप तीन पोर्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट कंट्री के अंदर जो पोर्शंस होते हैं वहां तक होती हैं आपकी ये ई और एफ टर्म्स। तो ये आप देख रहे हैं ई टर्म हो गई आपकी EXW और एफ टर्म्स हो गई आपकी FCA, FAS और FOB। तो ये आपका जहां से मेन कैरेज शुरू होता है वो वाली आपकी सी टर्म्स हो जाती हैं। तो ये जो सी टर्म्स हैं ये सारी कैरेज टर्म्स हो जाती हैं। तो ये यहां पे आप देख सकते हैं सी से कैरेज टर्म्स हो गई और फाइनली डी से आपकी डेस्टिनेशन टर्म्स हो जाती हैं। तो ये आपको याद करने के लिए काफी आसान हो जाएगा, ई एफ सी एंड डी। तो ई एंड एफ हो गई आपकी एक्सपोर्ट कंट्री वाली टर्म्स, सी वाली टर्म्स हो गई आपकी मेन कैरेज कौन है, ओशन, एयर, रेल, रोड, जो भी है, तो वो हो गई आपकी सी टर्म्स, और फाइनली डी टर्म्स हो जाती हैं आपकी डेस्टिनेशन रिलेटेड। तो इंपोर्ट कंट्री के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो डी टर्म्स होती हैं। तो अब हम इन सारी टर्म्स को एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि किस किस के अंदर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक चीज और मैं बता देता हूं उससे पहले, ये जो मैंने येल्लो कलर से मार्क करी है FAS, FOB, CFR और CIF, ये खाली ओशियन फ्रेट के लिए एप्लीकेबल होती हैं। जो पानी से ट्रैवल होता है जो भी कार्गो, वो सारी की सारी टर्म्स जो है वो ये चार हैं, FAS, FOB, CFR और CIF, और बाकी ये जो आप ऑरेंज कलर से देख रहे हैं ये किसी भी मोड में एप्लीकेबल हैं, ये चाहे ओशियन हो, एयर हो, रेल हो या रोड हो। तो अब हम वन बाई वन देख लेते हैं कि हर टर्म के अंदर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर और बायर की। तो सबसे पहले बात आती है एक्स वर्क्स की। एक्स वर्क्स के अंदर क्या होता है कि सेलर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो खाली कार्गो को यहाँ पे अपने वेयरहाउस में प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पे वो पैकिंग करेगा और उसको प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ से लेके सिर्फ ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, वेयरहाउस में वो अपना प्रोवाइड करा देगा, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक बायर की हो जाती है। तो बायर क्या करेगा, उस कार्गो को लोड करेगा ट्रक के अंदर, तो ये वाली रोड लोडिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टर्मिनल तक, फिर कस्टम, फ्रेट फॉरवर्डिंग, लोडिंग चार्जेस, आपका पोर्ट पे पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, फिर आपका ओशियन फ्रेट, इंश्योरेंस, उसके बाद अनलोडिंग चार्जेस, फिर इंपोर्ट कंट्री के अंदर कस्टम्स और ड्यूटीज जो है वो भी बायर पे करेगा, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन, ये सारा का सारा बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो सेलर को अपने प्रेमाइसिस पे खाली देना है, एक्स वर्क्स का मतलब ये होता है। उसके बाद आपकी टर्म आ जाती है FCA। FCA का मतलब होता है फ्री कैरियर एट सो एंड सो प्लेस। तो यहां पे ये प्लेस डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस प्लेस पे वो FCA होगा। तो अब ये FCA के अंदर दो केस बन जाते हैं, एक तो ये होता है कि वो सेलर के प्रेमाइसिस पे ही डिलीवर करेगा। अगर वो सेलर के प्रेमाइसिस पे डिलीवर करता है तो उस केस के अंदर लोडिंग चार्जेस सेलर के हो जाते हैं।
तो यहां तक सेलर करता है और इसके आगे सारा का सारा ये वाला पोर्शन बायर का हो जाता है। तो अगर हमें यहां पे डिफाइन करनी हो तो वेयरहाउस सर्विसेज सेलर की हो गई, लोडिंग एट ओरिजिन ये सेलर करेगा, इसके आगे से जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो बायर को ही प्रोवाइड कराना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बायर की होगी, कॉस्ट भी और रिस्क भी। ठीक है जी। तो अब एफसीए के अंदर एक और केस होता है, कई बार अगर आपने ये प्लेस जो है ये डिफाइन कर दी कि मान लीजिए ये टर्मिनल डिफाइन कर दी या फ्रेट फॉरवर्डर का वेयरहाउस डिफाइन कर दिया, तो उस केस के अंदर जो सेलर है वो आपको उस वेयरहाउस तक ट्रांसपोर्टेशन भी देगा। तो ये जो सेलर है ये रोड ट्रांसपोर्ट आपको या तो इस वेयरहाउस तक देगा या ये शंघाई पोर्ट तक भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने प्लेस क्या डिफाइन करी है। तो जब अगर वो सेकंड केस के अंदर मान लीजिए टर्मिनल तक दे रहा है तो वो वहां पे अनलोडिंग नहीं करेगा, वो खाली अपने वेयरहाउस से लोड करके वहां पे जाके छोड़ देगा, वहां पे जो अनलोडिंग करनी होगी वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके आगे से फिर बायर ही सारा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हो गई एफसीए की बात। अब आगे चलते हैं, अब हम एफएएस की बात कर लेते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा था एफएएस जो है वो खाली सी या वाटरवेज के लिए एप्लीकेबल होती है और इस केस के अंदर पोर्ट डिफाइन किया जाता है और ये जो फ्री अलोंग शिप होता है ये एक्सपोर्ट वाला पोर्ट होता है। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें, अब मैंने यहां पे एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो ये जो सी और वाटरवेज होते हैं ये जनरली बल्क कार्गो के लिए आप डिफाइन करते हैं ये वाली टर्म्स। तो कंटेनर कार्गो के अंदर ये वाली टर्म्स जनरली नहीं चलती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं बल्क कार्गो का। मान लीजिए कोई आयरन ओर आपको एक्सपोर्ट करना है उड़ीसा से किसी माइन से, तो इस केस में हम आयरन ओर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये आयरन ओर ट्रैवल करेगा लेट्स से विशाखापट्टनम पोर्ट में, पोर्ट तक वाया रोड, और विशाखापट्टनम पोर्ट से ये शंघाई पोर्ट तक जाएगा, शंघाई पोर्ट से ये मान लीजिए किसी शंघाई की फैक्ट्री में जाना है, किसी स्टील फैक्ट्री में जाना है। तो इस केस में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा और ये जो एफएएस टर्म होगी ये जो सी से ट्रैवल करेगा उस केस में ये एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी सेलर की, एक तो वो वेयरहाउस सर्विसेज देगा। अब इस केस में वेयरहाउस की जगह ये यार्ड सर्विसेज हो जाएंगी कि वो अपना जो भी आयरन ओर है वो वहां पे अपने यार्ड के अंदर हैंडल करेगा, तो वो सारी कॉस्ट वो बेयर करेगा। उसके बाद लोडिंग उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन वो पे करेगा, उसके बाद फॉरवर्ड ये फ्रेट फॉरवर्डर की फीस भरेगा, कस्टम्स देगा और टर्मिनल चार्जेस देगा, और फाइनली ये जो यहाँ पे बर्थ है जहाँ पे वो जहाज खड़ा होगा यहाँ पे ले जाके वो कार्गो को छोड़ देगा। तो जो लोडिंग ऑन वेसल है यहाँ पे जो लोडिंग चार्जेस हैं यहाँ से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से लेके लोडिंग चार्जेस से लेके आगे तक ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है एफएएस के केस में। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एफओबी के केस में। एफओबी के केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से लेके यहां तक तो है ही, वो यहां पे बर्थ पे ले जाके तो छोड़ेगा ही, इसके अंदर एक एडिशन हो जाता है कि ये लोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर की आ जाती है। तो यहां तक आ जाती है आपकी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बायर की फ्री ऑन बोर्ड के केस में। तो फ्री ऑन बोर्ड अगर हम इंग्लिश में समझे तो ये फ्री ऑन बोर्ड वेसल है इसका मतलब। तो यहां पे जब हम ये लिखते हैं तो अगर हम इस आयरन ओर को अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट से 50,000 टन्स ऑफ आयरन ओर एफओबी वाइजैग पोर्ट। तो इस तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी। तो इसके अंदर हमने जैसा देखा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडिंग तक आ जाती है, उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि सीएफआर के अंदर क्या होता है। सीएफआर की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट का क्या मतलब है कि जो सेलर है वो कॉस्ट तो दे ही रहा है यहां तक कि यहां पे लोड कराएगा उसको कार्गो को, उसके बाद वो फ्रेट भी देगा, तो वो वहां तक शंघाई पोर्ट तक उस कार्गो को डिलीवर करेगा। तो यहां पे डिलीवरी पॉइंट जो है वो शंघाई पोर्ट हो जाएगा और यहां से लेके यहां तक ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और इससे आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाएगी। अब इस केस के अंदर एक चीज होती है आपको थोड़ा सा जो ध्यान देना है, जो कार्गो का इंश्योरेंस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सीएफआर के अंदर इसकी सेलर की, इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है सीएफआर के केस में। तो हमने ये देखा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक हो गई कि वो यहां तक शंघाई पोर्ट तक ओशियन फ्रेट दे रहा है, उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपका सीआईएफ हो जाता है। सीआईएफ सीएफआर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहां पे शंघाई पोर्ट तक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही सेलर की,
लेकिन सेलर जो है वो खाली शंघाई पोर्ट तक ले जाके छोड़ देगा, अनलोडिंग वो नहीं करेगा, अनलोडिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, शंघाई पोर्ट से लेके आगे तक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेलर क्या करेगा, वो कार्गो को शंघाई पोर्ट पे अनलोड नहीं करेगा, खाली बर्थ तक ले जाके छोड़ देगा। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर आई का एक इंश्योरेंस के लिए आई होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इसको हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, CIF, हम वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 50,000 टन्स ऑफ लेट्स से आयरन ओर, CIF शंघाई पोर्ट, इसके अंदर शंघाई आ जाएगा, शंघाई पोर्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस तक हो जाती है, वो शंघाई पोर्ट पे ले जाके छोड़ देगा, और जो ओशियन फ्रेट और इंश्योरेंस है वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी सेलर की। उसके आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अनलोड करना, कस्टम्स पे करना, इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करना और अपना फैक्ट्री तक ले जाना बायर को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो यहां तक हमारी सारी की सारी ये सी रिलेटेड टर्म्स खत्म हो जाती हैं। उसके बाद अब टर्म आती है हमारी CPT। CPT होता है आपका कैरेज पेड टू। अब ये जो हमने पहले बात की थी कि ये हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एप्लीकेबल है, अब मैंने यहां पे ये एरोप्लेन और रोड ये भी ऐड कर दिए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे पहले तो रोड ट्रांसपोर्टेशन देगा, वेयरहाउस से लेके टर्मिनल तक लेके जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम ये कहते हैं, ये प्लेस जो है हमने डिफाइन कर दी कि वो मुंबई तक लेके जाएगा, तो हम कहेंगे CPT मुंबई। तो अगर हमने CPT मुंबई कहा है तो वो यहां तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। तो उसके बाद क्या क्या होगा, तो एक तो वो लोड करेगा उस कार्गो को शंघाई के अंदर, फिर मुंबई तक लेके आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज होती है कि जो अनलोडिंग होती है मुंबई पोर्ट के अंदर, अनलोडिंग होगी और ये जो फाइनली ट्रक में लोड होगा ये नेगोशिएबल होता है CPT के अंदर। तो ये जो CPT होता है ये जनरली कंटेनराइज्ड कार्गो के लिए यूज होता है, कंटेनर्स में यूज होता है और साथ में अदर कार्गो के लिए यूज होता है, लेकिन ये बल्क कार्गो के लिए यूज नहीं होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, बल्क कार्गो के लिए आप ये वाली टर्म्स यूज करेंगे, FAS, FOB, CFR और CIF अगर वो ओशन से जा रहा है, और अगर कंटेनर्स हैं, वो कंटेनर शिप है, तो आप CPT यूज करेंगे। तो CPT अगर हमने मुंबई बोला यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सेलर की, और इसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बायर की। और हमने जैसा कि बात की कि अनलोडिंग और लोडिंग जो होती है टर्मिनल पे, लेट से जो भी प्लेस है, ये फाइनल आपने जो प्लेस है ये इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अनलोडिंग और लोडिंग जो होती है कार्गो हैंडलिंग, वहां पे वो नेगोशिएट की जा सकती है कि बायर हैंडल करेगा उसको या सेलर हैंडल करेगा। तो बायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक तो वो इंश्योरेंस लेगा, जो रिस्क है यहां पे ओशन से ट्रेवल करने का या एयर से ट्रेवल करने का वो बायर का है, साथ में कस्टम्स क्लियरेंस कराना, इंपोर्ट ड्यूटीज पे करना ये भी बायर का होता है। और ये जो कैरेज पेड टू है, अगर ये मान लीजिए हमने पुणे कर दिया, यहां पे CPT की जगह यहां पे अगर हमने पुणे कर दिया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी क्या कहते हैं, सेलर ही देगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये प्लेस क्या डिफाइन कर रहे हैं हम CPT के अंदर। अब ये जो प्लेस होती है ये कुछ भी हो सकती है, ये शंघाई भी हो सकती है। अगर ये शंघाई हो गई तो CPT जो होगा वो यहीं तक होगा, अगर ये मुंबई हो गई तो सेलर की यहां तक हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर ये पुणे होती है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक हो जाती है। तो इसके अंदर खाली कस्टम क्लियरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी और इंश्योरेंस 100% बायर को देनी है, उसके अलावा अनलोडिंग और लोडिंग जो भी वो प्लेस है वो सेलर और बायर के बीच में नेगोशिएट हो सकती है। तो इसी से मिलती जुलती एक और टर्म होती है हमारी, वो होती है CIP। CIP के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा CPT जैसे ही होता है, इसके अंदर खाली इंश्योरेंस जो होती है वो सेलर पे कर देता है। तो सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, एक तो वो वेयरहाउस से, अगर हम अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए CPT मुंबई वाला ही ले लेते हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि वो सेलर यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा लेके जाएगा कार्गो को, लेकिन साथ के साथ वो इंश्योरेंस भी देगा, इंश्योरेंस की भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और साथ में जो अनलोडिंग और लोडिंग होगी एट मुंबई वो नेगोशिएबल होगी, बायर या सेलर जो भी करेगा वो पहले से ही आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टम क्लियर कराए और इंपोर्ट ड्यूटीज पे करे। तो ये हो गई हमारी सारी कैरेज रिलेटेड टर्म्स, ये चारों कैरेज रिलेटेड टर्म्स हैं। तो CFR और CIF आप तब यूज करेंगे जब वो ओशियन से जा रहा है
लेकिन वो बल्क कार्गो है। ठीक है जी, तो मैं यहां पे इसीलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं सीएफआर और सीआईएफ आप बल्क कार्गो में यूज करेंगे, और साथ में सीपीटी और सीआईपी ये दोनों टर्म्स आप कंटेनर कार्गो में यूज करेंगे अगर वो ओशन से जा रहा है तो। लेकिन अगर वो एयर से जा रहा है तो आपको 100% सीपीटी या सीआईपी ही करनी है। ऑल अदर कार्गो अगर मैं लिखूं यहां पे, ऑल अदर कार्गो और ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, तो इस केस के अंदर आपको सीपीटी या सीआईपी यूज करने हैं। अब हम आ जाते हैं डेस्टिनेशन रिलेटेड टर्म्स पे, जो कि है आपकी सबसे पहली उसमें आ जाती है डीएटी। डीएटी का क्या मतलब होता है? डिलीवर्ड एट टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल होता है ये आपका कोई भी चीज हो सकती है, ये या तो पोर्ट हो सकता है, मान लीजिए आपने लिखा डीएटी मुंबई पोर्ट, तो उस केस में क्या होगा कि मुंबई पोर्ट पे लाके सेलर छोड़ देगा उसको, और यहां तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इसमें एक थोड़ी सी खास बात यह होती है कि जो अनलोडिंग होती है, यहां पे आपने ये देखा था कि सीआईपी के अंदर या सीपीटी के अंदर अनलोडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नेगोशिएबल थी, देख रहे हैं आप यहां पे, ये नेगोशिएबल थी, लेकिन डीएटी के केस में सेलर को ही करनी है यहां पे अनलोडिंग, ये फिक्स होता है। अब ये टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, अगर आपने यहां पे ये लिख दिया डीएटी पुणे लिख दिया, अगर यहां पे अब ये मान लीजिए पुणे में कोई वेयर हाउस है तो वो वहां पे भी आपको अनलोड करना हो सकता है, तो उस केस के अंदर आपको क्या होगा, ये वाली जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी आप ही को हैंडल करनी होगी। तो डीएटी के केस में फाइनल डेस्टिनेशन जो भी यहां पे आप पोर्ट या प्लेस डिफाइन कर रहे हैं वहां तक सेलर को करना है, उसके आगे जो है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सारी की सारी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस केस के अंदर फाइनल ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो टर्मिनल से लेके अपने यहां तक, अपने प्रेमाइसिस तक वो लेके जाएगा बायर, और साथ ही में कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस भी उसी की बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक और डेस्टिनेशन रिलेटेड टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डिलीवर्ड एट प्लेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की होती है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, लेट्स से डीएपी हमने कहा पुणे फैक्ट्री, पुणे की हमने एक फैक्ट्री दे दी जो बायर की फाइनल है, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, यहां तक ये वाली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सेलर की हो गई। तो इस केस के अंदर बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली वो कस्टम्स और इंपोर्ट ड्यूटीज पे करेगा और टैक्सेस, और इसके अलावा सारी की सारी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अब ये जो डेस्टिनेशन है ये कुछ भी हो सकती है, अब ये जो प्लेस है जनरली ये बायर का प्रेमाइसिस हो जाता है, लेकिन ये मुंबई का पोर्ट भी हो सकता है, ये बायर का कोई वेयर हाउस भी हो सकता है, तो अगर ये यहां तक किसी वेयर हाउस तक डाल रहा है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वेयर हाउस तक आ जाएगी, और वेयर हाउस से बायर को ही लेके जाना होगा अपनी फैक्ट्री तक। तो इसीलिए ये प्लेस डिफाइन करना इन डेस्टिनेशन रिलेटेड टर्म्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि डिलीवर्ड एट प्लेस का क्या मतलब है, कि फाइनली डेस्टिनेशन तक वो सेलर लाके छोड़ देगा, लेकिन फाइनल जो अनलोडिंग होगी वो बायर को करनी होगी अपने प्रेमाइसिस पे। इसके बाद एक फाइनल आती है टर्म जिसे हम डीडीपी कहते हैं। डीडीपी का क्या मतलब है? डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो अगर हम ये लिखेंगे डीडीपी पुणे फैक्ट्री, पुणे फैक्ट्री, तो उस केस के अंदर सेलर को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी, वो यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा बीजिंग से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, इंक्लूडिंग द कस्टम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। तो सब, लेकिन अब जो फाइनल अनलोडिंग होगी वो बायर को करनी होगी, उसके अलावा पूरा उसके डोर टू डोर भी कह सकते हैं हम इसको, तो डोर टू डोर डिलीवरी जो होगी इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कस्टम्स वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। बट अब इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है डीडीपी का, कि इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम्स जो है वो थोड़े से हैंडल करने एक सेलर के लिए जो दूसरी कंट्री का है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा प्रेफरेबल ये रहता है कि आप डीएपी कंसिडर करें। लेकिन अगर मान लीजिए सेलर के का ऑफिस है इंपोर्ट कंट्री के अंदर तो वो हैंडल कर सकता है, तो उस केस के अंदर डीडीपी पे भी आप जा सकते हैं। तो आई थिंक मैंने ब्रॉडली सारी की सारी टर्म्स कवर कर ली हैं। ये 11 की 11 टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको टर्म्स जिसके हिसाब से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है और किस तरीके से डिलीवरी पॉइंट डिसाइड होता है। तो हमने जैसे बात की कि ई और एफ रिलेटेड टर्म्स होती हैं वो आपकी एक्सपोर्ट कंट्री रिलेटेड होती हैं, ये आपका EXW, FCA, FAS और FOB, फिर आपकी CFR, CIF, CPT और CIP ये कैरेज रिलेटेड टर्म्स, सी टर्म्स होती हैं, और फाइनली डेस्टिनेशन रिलेटेड टर्म्स आपकी ये तीन होती हैं, DAT, DAP और DDP।
अब अगर आप इनमें से किसी टर्म के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एग्जैक्टली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सेलर की और बायर की, तो आप मेरे इंडिविजुअल वीडियोज देख सकते हैं। इनके बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियोज भी बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, या अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई अगर फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरह के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।